हर वर्ष की भांति इस वर्ष भिंड में शिवजी की बारात निकाली जाएगी। बारात निकालने के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। लगन और हल्दी सेरेमनी की पूरी प्रक्रिया हो चुकी है। बाकायदा भोले बाबा की शादी भिंड में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। शिवजी की बारात पूरे शहर में निकाली जाएगी, जिसमें शहर के सभी लोग एकत्रित होंगे। बड़े ही धूमधाम से बैंड बाजों के साथ शिवजी की बारात निकाली जाएगी और उनका आज विवाह संपन्न होगा। श्रद्धा भाव के साथ बारात में लोग शामिल होते हैं और सफलतापूर्वक बारात को निकालकर पूरे शहर में घुमाया जाता है। गौरी के किनारे का महाकालेश्वर मंदिर पर इसका समापन होता है। वहीं इसकी जानकारी भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य डॉक्टर रमेश दुबे ने दी। हर वर्ष की तरह इस बार भी महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ की बारात भिंड में निकाली जा रही है और विशाल रूप में निकाली जा रही है। उसकी सारी तैयारियां हो गई हैं। उसी को लेकर कल भिंड में एक और नया कार्यक्रम उस कार्यक्रम से जुड़ गया है। भगवान भोलेनाथ की लगुन का कार्यक्रम हुआ है। पूरा खटिक समाज लोग लगुन लेके आए थे। उन्होंने बहुत ही विधिवत तरीके से लगुन चढ़वाई भगवान भोलेनाथ की। हमारे अवधूत चिलोंगा महाराज जी को सौंपी। पालकी तैयार हो चुकी है। आज लगभग 11 बग्घियाँ और 11 ही बैंड और रथ 9 रथों के साथ में पूरी भगवान भोलेनाथ की लाल बत्ती वाली पालकी निकाली जाएगी, जिसमें हजारों की संख्या में लोग बारात में साथ चलते हैं। इसके अलावा जो साथ चलते हैं वो अलग है, लेकिन आसपास जिले भर के आसपास के सारे लोग इसमें भाग लेते हैं और लगभग 50 से 60 हज़ार की जनता पूरे शहर में सड़कों के किनारे खड़ी होती है, भगवान भोलेनाथ का स्वागत करती है, उस बारात में शामिल होती है। इस बार एक और किया गया कि चूँकि पिछले टाइम स्थान थोड़ा कम पड़ता था, अब की बार नया स्थान पानी की टंकी नए पुल के नीचे, वहाँ पर शिव विवाह का आयोजन होगा पूरी बारात के समापन के समय। और भव्य कार्यक्रम हो रहा है, लोगों में ज़बरदस्त उत्साह है, उमंग है, समर्पण है, भावना है और इसके मस्ती में सभी लोग भगवान भोलेनाथ की बारात में शामिल हो रहे हैं। साथ साथ प्रशासन एवं नगर पालिका की ओर से शिव बारात को लेकर क्या तैयारी? बहुत बहुत अच्छा सहयोग, बहुत अच्छी तैयारी। शासन प्रशासन पूरी तरह से धार्मिक इस कार्यक्रम को आयोजन करने में पूरी तत्परता से जुड़ा हुआ है। कहीं पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। पूरी सजगता के साथ में शासन प्रशासन लगा हुआ है और यह कार्यक्रम चूंकि सबका है, सभी धर्म के लोग इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। भिंड से श्याम सुंदर उपाध्याय की रिपोर्ट।